सब्सक्राइब करें फैसल जावेद टीवी को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाँ जी, आज हम अपने पहले ट्रिप में पहला फार्म कवर करने आ रहे हैं और हम आए हैं आप शुरू करें चौधरी में रिजवान साहब के फार्म में। और इन्होंने यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है चलें आपको दिखाते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा फार्म है इनका। हाँ जी रिजवान साहब, ये हिरन है, ब्लैक बक। ब्लैक बक है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इस वाले खाने में इस जगह पे आपने क्या क्या रखा हुआ है रिजवान साहब? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ चले। ओहो, ये कोई खास मोर है या आम मोर है? खास ग्रीन जावा। आपको फैसल भाई यहाँ पे कोई आम अच्छा नजर आएगी। मूंगफली नहीं थोड़ी जबरदस्त। हाँ अच्छा जी रिजवान साहब, ये बताएं आप क्या बता रहे थे इसका क्या खास नाम है? ग्रीन जावा ब्यूटी से, ये नया आया पाकिस्तान में पिछली दफा। अच्छा, ये बड़ा मुझे इसका स्टोर्स। अच्छा, ये अभी छोटे हैं। कहाँ से मंगवाए आपने ये? जर्मनी से मंगवाए। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है। ये बड़े हो जाएंगे तो इनके भी ऐसे पीछे वो खोलेंगे, खड़े होंगे। जबरदस्त, टेल छोटी हैं। अरे वाह, इधर आ जाए रिजवान साहब। ये बताइए ये क्या रखा हुआ है आपने, बहुत ही यूनिक। हाँ क्या कहलाता है? येलो नाब खरासो। येलो नाब खासो खरासो। ये पेयर है? जी पेयर है। अच्छा जी जबरदस्त। ये ब्रीडिंग पेयर है? ब्रीडिंग पेयर है, फीमेल पर भी आए हुए हैं आजकल। अच्छा, तो ये भी आपने बाहर से इंपोर्ट किया है? जी, ये मैं इम्पोर्टेड के बच्चे लिए। अच्छा रिजवान साहब, ये बताएं कि आप ये शौक से करते हैं इसको, मतलब सेल वेल भी करते हैं? शौक है लेकिन सेल भी करते ही है ना, कोई एक्स्ट्रा हो जाए तो। अच्छा जी, रिजवान साहब का नंबर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी को इनसे ज़बरदस्त बर्ड्स चाहिए। ये हैं, अगर हम सरगोधा से जा रहे हैं भलवाल की साइड में, तो रास्ते में इनका फार्म हाउस आता है, दस चक कहते हैं जिसको, जहाँ पे ये हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं। अरे ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? ये कूंज। कूंज कॉमन क्रेन। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत भाई रिजवान साहब, बहुत अच्छा फार्म है आपका। ये भी शुतर मुर्गी है? ये सारे छोटे बच्चे हैं। ये फिजेंट है, सुरखाब जिसको उर्दू में कहा जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा जी इधर क्या रखे हुए? ये वो है इसको, ये वो तो नहीं है खाकी कैम्बल? अच्छा, उर्दू में खाकी कैम्बल भी कहा जाता है, इंग्लिश में नहीं। अच्छा चले ठीक है। ये भी है, डक्स हैं यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की। ये ज़रा, ये भी इम्पोर्टेड टाइप में है, बहुत खूबसूरत डक्स। सही है, ज़बरदस्त, वाह बहुत ही खूबसूरत डक्स हैं। रिजवान साहब का फार्म शौकीन कहते हैं, मैं बहुत शौक से पालता हूं और काफ़ी कुछ है इनके पास, अभी आपको दिखाएंगे। ये डक का सेक्शन है, परिंदों का और भी इनके। अच्छा ज़बरदस्त, ये हैं जी रिजवान साहब। आज रिजवान साहब और दिखाएं आपके फार्म में। अच्छा जी, इनके फार्म हाउस के अगले सेक्शन में अब हम चलते हैं, देखते हैं रिजवान साहब हमें यहाँ पे क्या दिखाते हैं। अच्छा जी, ये भी मोर ही है, अच्छा ये अरेबियन चकोर है, हाँ फेसेंट और अरेबियन चकोर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मस्कती, ठीक है ओके। आगे चलते हैं रिजवान साहब के साथ। वाइट आइज, ब्लैक शोल्डर वाइट आइज मोर। ग्रीन जंगल फाउल, ये पाकिस्तान में शायद किसी के पास ना हो। ये पाकिस्तान में आप समझते हैं किसी के पास नहीं है, नहीं होगा। क्या कहलाते हैं रिजवान साहब ये? ग्रीन जंगल फाउल। अच्छा जी, वेरी बहुत ही खूबसूरत है जी, बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा जी, ये क्या कहलाते हैं रिजवान साहब? ये क्रॉस में है, सेवन ओवर, ये क्रॉस काफी है। फिजन के क्रॉस है, फिजेंट और किसका? आपस में सिल्वर और सेवन ओवर क्रॉस में। ऑलराइट, और ये क्या कहलाते हैं रिजवान साहब? ये सिल्वर। ये सिल्वर है, बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त फार्म जी हमें देखने को मिला। मिना मिनी चिड़ियाघर है समझ लें, ये इतना खूबसूरत फार्म है। क्या कहलाएगा? कैमियो। मेला सर टेले नहीं है अभी पूरी, तो एक बाहर मकुला। अच्छा अंदर चलें, इसके पिंजरे में चलते हैं। वाह ज़बरदस्त, उड़ गया, बहुत ही मिट्टी उड़ा दी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जानवर इनके पास। वाह माशाल्लाह, ये क्या कहलाते हैं रिजवान साहब? ये सिल्वर पाइट। सिल्वर पाइट,
मोरों की बहुत ज़बरदस्त इकसाम इनके पास मौजूद है। इधर क्या है रिजवान साहब? ठीक है, नज़र आ गया। लेट्स मूव। ये ग्रीन जावा है। अच्छा, ज़बरदस्त। आगे वाला लेते हैं, ये डरते हैं पट्टे। अच्छा, ये छोटे हैं। ठीक है, ये वही वाली जगह जहाँ से हम आए हैं, उसका दूसरा पोर्शन है। डक्स वगैरह हैं, डक्स की भी काफ़ी वेराइटीज़ हैं इनके पास। अच्छा, मोरों के तो आपके पास माशाल्लाह बहुत ही वेराइटीज़ हैं। सारी वेराइटी मोरों की आपने रखी हुई है। ये इसको खोलेंगे तो भागेगा क्या? अंदर जाएंगे तो। हाँ, यहाँ थोड़ा सा अंदर यहीं से बना लेते हैं। हाँ, ऐसे ज़रा नज़र आएगा ना। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही। इसको क्या कहते हैं जी? ग्रीन जावा मोर। चलें जी, आगे चलते हैं। इस तरफ भी रिजवान साहब कुछ ना कुछ है? इसमें नहीं है, ये खाली है। ये खाली है। अच्छा, ये भी मोर की एक किस्म है। यहाँ पे भी जावा का मेल है, ब्रॉन्ज की मादा है इसके साथ। जावा का मेल है, ब्रॉन्ज की मादा है। हाँ जी, जावा का मेल। ज़बरदस्त, खूबसूरत। और ये ब्रॉन्ज की मादा है। ये जोड़ा वैसे कितने तक का होगा रिजवान साहब, अगर इसकी मार्केट वैल्यू? 3 लाख का जोड़ा है। वाओ, सही जो जा रहा है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आ जाए रिजवान साहब। रिजवान साहब तुम मेरे नाल आ जाओ। अच्छा रिजवान साहब, इसमें क्या है? इसमें कैमियो। ये कैमियो है, कैमियो। अच्छा, एक नर है और बाकी 3 मादा है, ये क्या चल? 3 मादा है सर। एक नर के साथ 3 मादा चल जाती हैं? 2-3 चलती हैं। अच्छा, ये ब्रीडिंग वगैरह यही करते हैं, अंडे वगैरह? हाँ, ब्रीडर है ये, सारे ब्रीडर। सही है, दुमेल की छोटी है। दुमेल छोटी है। अच्छा, ये इनके ब्रीडिंग सीजन कब होता है रिजवान साहब? अभी शुरू हो रहा, शुरू होने वाला है। ये मैंग्री। ओ ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। जी, मैं समझता हूँ, बहुत ही खूबसूरत परिंदा है ये। डक्स की किस्म है। बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। रिजवान साहब का बेहतरीन फॉर्म हमें देखने को मिल गया रास्ते में। आपको कोशिश करेंगे पंजाब में जो भी अच्छे अच्छे ब्रीडर्स हैं उनके सेटस वगैरह। ये क्या कहलाते हैं भाई? बड़ा खूबसूरत जावा पाइट। अच्छा, जावा पाइट का कितने तक का हो गया रिजवान साहब? 60-70-75 हज़ार तक का। अच्छा, ज़बरदस्त। मोरों की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी इनके पास है। अच्छा, मोरों के अलावा आपके पास इस फॉर्म में क्या क्या है रिजवान साहब? फीडर वगैरह हैं, गोट। तोते वगैरह का शौक नहीं रखते आप? फीजेंट डक्स और मोर का आप शौक रखते हैं। ये सारे पिंजरे आप देख सकते हैं, दूर तक पिंजरे बने हुए हैं। इन सब में इन्होंने मोरों की बहुत ही ज़बरदस्त किस्में रखी हुई हैं। ये भी मेरे ख्याल पाइड है ना इस पिंजरे में? चलें, और ये क्या है रिजवान साहब? ये कुछ हटके हैं, इसका आगे मैं दिखाता हूँ। बफ ब्राउन है ये, बफ ब्राउन। चलें, इसको दूसरे पिंजरे में देखते हैं कोई और पेयर। बहुत अच्छा फार्म हाउस है, ये देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। फालियाँ के करीब ये जगह है, भलवाल के करीब ये जगह है, सरगोदा रोड पे। अच्छा, ये क्या कहलाते हैं रिजवान साहब? बफ ब्राउन हम कहते हैं इसे, अपना ये खुद ही एक नस्ल है। बफ ब्राउन कह सकते हैं इसे, बफेट ब्राउन। ओके, इसकी क्या खास बात है? ये कलर है, अच्छा कलर है, मादी देखे सुर्खी वाले सुरख है, जबरदस्त। ये भी अपनी टेल बढ़ा लेता है हम जैसे। ये मादा है, 3, एक मेल है, वो ब्राउन ऊपर बैठा, वो मेल। ओह अच्छा, मेल साहब तो ऊपर बैठे हुए हैं, ये मादा है। मैं, ओह जबरदस्त। इसका जोड़ा कितने तक का है वैसे? ये अपनी मर्जी का रेट है, ये काम में बंदे के पास 70-80 70 लाख। अच्छा, लाख रुपए तक का, दो लाख तक का भी है, ज़बरदस्त। आई होप आप लोगों को भी ये फार्म देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा। पंजाब में ख़ास तौर पे लोग इस तरह से फार्म हाउसेस पे रखते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। रिजवान साहब, ये है रिजवान साहब जिनका ये खूबसूरत फार्म है। रिजवान साहब, ये एमरेड। वाओ, मोरों की ज़बरदस्त इकसाम इनके पास मौजूद हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसका पेयर कितने तक का होगा? ये बिकने का 70-70। इनके ब्रीडिंग सीजन होता है कोई? मार्च फरवरी एंड 15 फरवरी के बाद शुरू हो जाता है, यानी अभी आना है इनका ब्रीडिंग सीजन, एक महीना रहेगा। ये कितने अंडे देते हैं एक टाइम में? 30-35 मादा दे जाती है एक सीजन में।
एक सीजन, सीजन से क्या मुराद है आपकी? 3 महीने, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने का सीजन होता है। अच्छा, आप इनके अंडे का इंक्यूबेट भी करते हैं या सारे अच्छा जो आखिरी सीजन के अंडे होते हैं वो आप मोर के नीचे रखवाते हैं? खुद बैठ जाती है और उससे पहले जो है आप इनको अंडों पे रखते हैं और सारी जो टर्की के नीचे रखते हैं। हाँ, मतलब अंडे देते रहते हैं और वो टर्की के नीचे आप निकलवाते हैं। हाँ, वो 3 दफ़ा करके अंडे देते हैं 3 महीने में, 10-8-7 अंडे दिए, फिर वक्फा कर लिया, फिर 10 अंडे दिए, 12 दिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये फार्म हाउस देख के मोरों के भाई शौकीन हैं रिजवान साहब, मोरों की सारी वैरायटी। इसमें कोई ख़ास चीज़ है रिजवान साहब? हाँ, ये मेल है उसका, वो चॉकलेट का पूरा चॉकलेट। ओके, ज़बरदस्त। उस पर स्पॉट से ना, इस पर स्पॉट नहीं है, ये पूरा ग्रे है। सही है, सही है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा रिजवान साहब, अब जारी बात है, इसका सीज़न भी आने वाला है ना, तो लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए, बच्चों के लिए? ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। ये इसमें क्या है रिजवान साहब? ये रेड बॉक्स, ये म्यूटेशन है। नहीं, ये भी खोलें ज़रा, इस तरह पिंजरे से ना नज़र नहीं आता, अंदर जाके ज़रा अच्छा नज़र आता है कैमरे में। रेड बफ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये 2 फीमेल्स और 1 मेल है आपका, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ज़बरदस्त जी, खूबसूरत वाइट। इसको ये तो बिल्कुल वाइट है, वाइट है जतन साहब, प्योर वाइट, खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा जी, इसको क्या कहा जाता है आपकी ज़बान में? वाइट पीकॉक, वाइट पीकॉक, अल्बिनो या वाइट पीकॉक। अच्छा, इसमें भी ऐसा ही है, 1 मेल है और 3 फीमेल। लंबी होनी है, कम से कम 2 फुट 1.5 फुट। अच्छा 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 अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट। इसका पेयर कितने का है? ये आजकल 35-36 का होगा, 35-36 तक का होगा, 35-40 तक भी हो सकता है। क्या 40? 40,000। अच्छा, आई थॉट महंगा वाला है ज्यादा। इसको दोबारा बताइएगा, अभी मैंने स्टार्ट किया। पर्पल नेक, पर्पल नेक म्यूटेशन है ये, म्यूटेशन, बहुत ही खूबसूरत। वाह, इसके यार, इसके अंदर कितने प्यारे कलर हैं, गर्दन पे अलहदा कलर है, नीचे जाते जाएं तो ग्रीन होता जा रहा है, खूबसूरत जोड़ा है, खूबसूरत। अच्छा जी, इसके क्या प्राइस चल रही है रिजवान साहब? इसकी भी यही है, 40-50,000। भाई मैंने इतनी बड़ी वैरायटी मोरों की शायद ही देखी हो कहीं। ये सारे पट्टे हैं इसमें? हाँ, पट्टे बच्चे थे, इसको खोलने की जरूरत नहीं, यहाँ से बन रहा है। अच्छा, ये मुख्तलिफ के बच्चे के साथ, मोर की मादा आप हटा ली है ना? हाँ, ये मुख्तलिफ है, पाइड है, पर्पल है, सही है, ब्लैक शोल्डर पाइड है, वाइट है, ठीक है। अच्छा, ये इस उम्र के बच्चों के क्या रेट हैं अगर आपने बेचने हैं तो? ये हमने वैसे रखे हैं अपने लिए, मुख्तलिफ का मुख्तलिफ होगा, 6 से मतलब इसका पीस 5 से 10,000 तक का, 5 से 10,000 तक का, ठीक है। आगे चलते हैं साथ साथ हमारे, इसको क्या कहेंगे जी अपनी जबान में, क्या आपने जो बनाया हुआ है? ये पॉन्ड है, ये डच स्टेडियम अभी पॉन्ड बनाया हुआ है, ये ब्लैक शोल्डर से वाइट आया था, ठीक है। वाओ, ये ब्लैक शोल्डर है, ये ब्लैक शोल्डर कहलाता है। अच्छा, इसका जरा कलर देखते हैं, ये तालन तो नहीं लगा? ओहो, माशाल्लाह, ये इसका मेल है। अच्छा, इसके मेल में सारी ज्यादा खूबसूरती होती है, मैंने देखा है, सीजन का मेल ही खूबसूरत है ना, परिंदों में मेल में खूबसूरती ज्यादा होती है, फीमेल थोड़ी सादी होती है, बहुत ही खूबसूरत। यानी कि अगर फीमेल खरीदनी और मेल खरीदना हो तो आपके ख्याल में मेल हमेशा महंगा ही मिलेगा, ऐसा ही? फीमेल भी बराबर, फीमेल होगी तो अंडे देंगे। नहीं, जिसने ब्रीडिंग के लिए नहीं लेना, जिसने खाली शौक के लिए अपने फार्म हाउस वगैरह। वाइट है, स्पेल्डिंग बंद बोली मैंने, पीले कान वाले ये मैंने लिए पिछले साल। अच्छा, ये नहीं थे आपके पास? नहीं थे, पीले कान वाले, बंद बॉडी वाले हैं ये, स्पेल्डिंग वाइट स्पेल्डिंग, जबरदस्त, ये जबरदस्त, खूबसूरत खूबसूरत। भाई चलते जा रहे हैं हम लोग और रिजवान साहब का फार्म हाउस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई होप आप लोगों को भी देख के सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और ये ट्रू ट्रू बर्ड लवर हैं। सर्दी आ रहा है, ये पर्दे लगवाए हुए हैं, ऐसे बंद किया हुआ है। मुर्गियाँ भी हैं, फिशेंट भी हैं, तीतर है ज्यादा, तीतर भी हैं, कबूतर भी रखे हुए हैं आपने यहाँ पे? कौन से? रेसर जो होते हैं, रेसर, हाँ रेसर, नॉर्मल कबूतर है, उमर भी, ठीक है। नीचे फिशेंट भी रखे हुए हैं, सुरखाब जिनको कहा जाता है उर्दू में। ये कोई ख़ास कबूतर है सर? ये लग रहा है गफूरी,
غفوری اڑان والے ہوتے ہیں کہ بس وہ فینسی؟ اچھا اچھا زبردست. تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ عام پیجنس ہیں. ٹھیک ہے, مکس پیجن یہاں پہ رکھے ہوئے. چلیں جی. او ہو, مرغیوں کی بھی آپ کے پاس کافی اقسام ہے بھائی, زبردست. یہ کیا کہلاتا ہے؟ سلکی. یہ سلکی ہے, وہ گولڈن بف ہے. ٹھیک ہے, یہ وائلڈ ہے. زبردست, یہاں پہ بھی کچھ مرغیوں کی قسمیں ہیں. اور ساتھ میں یہ پونڈ چل رہا ہے, سارے پنجرے ہیں ان کے ساتھ 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 ساتھ, آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت. ہر پنجرے کے اندر کوئی نہ کوئی جانور, کوئی نہ کوئی پرندہ آپ کو ملے گا. ادھر وہ کوئی کبوتر ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ, یہ کیا کہلاتا ہے سر جی؟ رضوان صاحب, یہ پالش ہوگا, میں بودی والا ہے. بودی والا, یہ پالش ہے. پالش پولش پولش. ہاں, آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں, زبردست. اچھا زبردست. آئی ہوپ آپ سب کو دیکھ کے اچھا لگ رہا ہوگا, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. میرے پنجاب آنے کا مقصد نہ صرف یہاں پہ گھومنا تھا, کچھ دوستوں سے ملنا تھا, شادی اٹینڈ کرنی تھی, اور آپ سب لوگوں کے لیے اس طرح کے رضوان صاحب کی طرح کے جو بریڈرز ہیں ان کی, ان سے ملوانا تھا. ہاں, یہ کتا کون سا ہے؟ پوائنٹر ہے یہ, زبردست. ہنٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے یہ کتا, خاص طور پہ تیتر وغیرہ کے شکار کے لیے. اور یہ کیا کرتا ہے کہ جس جھاڑی میں تیتر نظر آ جائے تو وہاں پوائنٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا جی, واہ. یہ لمبی ٹانگوں والا کیا ہے بھائی جی؟ فلیمنگو. یہ ہے نا تو. اچھا, گرے لیگ گیز. وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ بار ہیڈ گیز. صحیح ہے, اتنی بڑی جگہ ہے, کہیں نہ کہیں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا جی, رضوان صاحب نے کچھ طوطے بھی رکھے ہوئے ہیں, چلیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے. یہاں پہ بچری ہیں, کچھ لو برڈز ہیں, فشرز ہیں, لوٹینو ہیں. چلیں, اصل میں ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں اس ٹائم, ہم کو ایک جو ہے یوں سمجھ لیں شادی کے فنکشن میں جانا ہے. راستے میں یہ تھا, ہم رکے ہیں جلدی جلدی, میں کور کر رہا ہوں. رضوان صاحب کی مہربانی, وہ ہمیں دکھا رہے ہیں اپنا فارم. اچھا جی, کالا گولڈن فیسنٹ. اچھا, گولڈن ذرا اس کا ریئر ہوتا ہے؟ نارمل ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں کالا تیتر رکھا تھا, زبردست. چلیں جی, آپ کو شکار کا بھی شوق ہے جو آپ کے پاس یہ پوائنٹر ہے؟ صحیح, زبردست. اچھا جی, اب ہم جس طرف جا رہے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے رضوان صاحب؟ چنکارا ہرن ہوگا, وہ کراس کیے ہیں ہاگڈی. اچھا, یہ چنکارا, چنکارا ڈیر. ہاں, زبردست, خوبصورت ہے. صحیح, وہ فیمیل ہے. چلیں اس طرف چلتے ہیں. صحیح ہے, یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ بھی چنکارا ہے. یہ ہاں, چیتل گراس ہے. یہ میل اکیلا ہی ہے؟ اچھا, فیمیل ادھر ہے. صحیح ہے, زبردست. مطلب اس کو بارہ سنگا کہا جاتا ہے نا, اس ٹائپ کا. ہاک ڈیئر. اوکے, یہ ان کی فیمیلس ہیں. صحیح ہے, زبردست زبردست. اس کو علیحدہ کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا, وہ آلریڈی کراسڈ ہیں. واہ بھائی واہ, شتر مرغ. یہ کوئی خاص شتر مرغ ہے سر؟ پائٹ کا میل ہے. وہ جو پیچھے والا ہے وہ میل ہے, اور یہ اس کی دونوں فیمیل ہیں. زبردست, خوبصورت. اچھا, اس کو رکھنے کا مقصد آپ کا شوق میں؟
इनकी आंखें कितनी खूबसूरत है, बड़ी बड़ी, बहुत जबरदस्त खूबसूरत, जबरदस्त। और जी हम कोशिश कर रहे हैं अंदर आ जाएं इस पिंजरे में, और मैं आ चुका हूं शुतुरमुर्ग के पिंजरे में। ये देख भाग गए मुझको देख के, और कोशिश करते हैं इनके करीब से आपको फुटेज बना के दिखाएं। ये मेल है, ये मेल है, हेलो, खूबसूरत। मुझे लग रहा है वो एग्रेशन अपना बना रहा है यूं यूं पर करके। और ये मेरे पीछे ये दोनों फीमेल हैं जो इसके साथ की हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आप इनको करीब से देखें, बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, और मेरा ख्याल परिंदों में सबसे बड़ी, सब परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा यही है ना, परिंदों में ज़बरदस्त खूबसूरत। चलें आगे चलते हैं। अभी ये जो डबल पर है रिजवान भाई, ये क्या है? ये ब्लैक बक, काले हिरन। काला हिरन, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये आपका पालतू है, आराम से आ जाते हैं करीब। इसकी मां मर गई थी तो फिर हमने हैंड फीड से पाला हुआ है। हैंड फीड में पाला हुआ? अच्छा, तभी ये डरता नहीं है, वरना बाकी जो है वो भाग रहे होते हैं इधर उधर। चलें इसके साथ एक सेल्फी वीडियो बनाने की भी कोशिश करते हैं। ये देखें जी, जबरदस्त जबरदस्त खूबसूरत, बहुत अच्छा है। माशाल्लाह रिजवान साहब, आपका फार्म देख के बहुत खुशी हुई है, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। आपने पत्ते जो गिरे हुए सारे, ये रैली आ जाएगी दो माह बाद। हाँ हाँ, खूबसूरत हो जाएगा जी, आ जाती है आसपास। ठीक है, अच्छा अपने हाथ में आगे करें आएगी। अच्छा चले, आप बुलाएं मैं बनाता हूँ। ओहो खूबसूरत, आपकी वजह डर रही है ना। हाँ चले, इसको क्या कहते हैं जी? ये क्रेन है, कॉमन क्रेन, कॉमन क्रेन, ग्रे क्रेन, खूबसूरत, जबरदस्त। अपने साथ नहीं, ठीक है कोई नहीं, वो पेड़ है, ये मादा है। अच्छा, ये इसका पेड़ है, इसका मेल उड़ गया था, जबरदस्त खूबसूरत। ये था रिजवान साहब के फार्म का विजिट, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये रिजवान साहब हैं, इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और अगर किसी ने कांटेक्ट करना है कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। रिजवान साहब एक बात बताएं, ये सारे गीज हैं, ये गीज हैं। रिजवान साहब मुझे अपना टेलीफोन नंबर दीजिए, 0345 जी 466-1010। ठीक है, ये रिजवान साहब का टेलीफोन नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम रिजवान साहब से लेते हैं इजाज़त, और खुद बनानी है ना अपनी सेल्फी है। अच्छा अभी बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको लेके चलते हैं अगले वीडियो में किसी और सेटअप में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रिजवान साहब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स गो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।